आज मैं बात करूंगा विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है और बहुत ही ज़रूरी है आपके शरीर के लिए, आपके सेहत के लिए। विटामिन सी आपके शरीर में बनता नहीं है, इसलिए विटामिन सी को बाहर से लेना बहुत ज़रूरी है। और विटामिन सी भरपूर मात्रा में फलों में और सब्जियों में मिलता है, इसलिए आप मेरे को देखते होंगे कि मैं बार बार आप लोग को कहता हूँ कि बहुत मात्रा में सब्जी खाइए। जब आप सब्जी बहुत मात्रा में खाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से विटामिन सी मिल जाता है, और फलों में भी अच्छा खासा विटामिन सी होता है। तो इसलिए विटामिन सी के लिए आपको फल और सब्जी, ये दोनों चीज़ खाना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो जब भी हम विटामिन सी के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में साइट्रस फ्रूट्स आता है, जैसे कि ऑरेंजेस हो गया, मौसम्बी हो गया, या फिर पाइनएप्पल हो गया। तो इस तरह के फल हमारे मन में हमेशा आता है, या फिर आंवला आ गया। तो दोस्तों, आज मैं ना तो आंवला के बारे में बात करूंगा, ना नींबू के बारे में बात करूंगा, ना संतरे के बारे में बात करूंगा। आज मैं आप लोग को कुछ और ऐसे खाने के चीज़ के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे सब्जी या फल है जिसमें आपको अच्छा खासा विटामिन सी मिल जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं डायबिटीज़ कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आज मैं बात कर रहा हूँ विटामिन सी का। विटामिन सी बहुत सारे खाने के चीज़ में मिल जाते हैं, जैसे कि फल हो गया या फिर सब्जी हो गया। विटामिन सी जो है बहुत ज़रूरी है आपके इम्यून सिस्टम के लिए। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है, और जब भी आपको इन्फ्लेमेशन होता है या इन्फेक्शन होता है तो विटामिन सी का रोल काफ़ी मेजर हो जाता है। और आपने देखा होगा इस पेंडेमिक में काफ़ी डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं कि विटामिन सी की सप्लीमेंट लीजिए, विटामिन सी की सप्लीमेंट लीजिए। तो दोस्तों, विटामिन सी की सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन सी आपको खाने के चीज़ में ही मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे सब्जी है या फल है जहाँ से आप विटामिन सी भरपूर मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, एक दिन में तकरीबन विटामिन सी हमें कितना चाहिए वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक दिन में हमें तकरीबन 90 ग्राम के आसपास विटामिन सी की ज़रूरत होती है। तो आज मैं कुछ ऐसे खाने के चीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि आप लोग को शायद पता ना हो, और जो आप लोग अगर खाएंगे तो अच्छी मात्रा में आप लोग विटामिन सी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला है मिर्च। मिर्च, लाल मिर्च हो या हरा मिर्च हो, दोनों ही बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, शायद आप लोग को ये पता नहीं था। और एक हरा मिर्च की मैं बात करूं तो उसमें आपको तकरीबन 109 मिलीग्राम के आसपास आपको विटामिन सी मिल जाएगा, जो कि 121% के आसपास है आपके डेली वैल्यू का। और अगर मैं एक लाल मिर्च की बात करूं तो एक लाल मिर्च में आपको 65 मिलीग्राम के आसपास मिल जाएगा, जो कि 72% है डेली वैल्यू का। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप एक हरा मिर्च अगर आप खाते हैं तो आपका डेली रिक्वायरमेंट जो है, डेली वैल्यू जो है, वो आपका मीट हो जाता है। तो इसलिए अगर आप लोग मिर्चा नहीं खाते हैं तो मिर्चा ज़रूर खाइए, उससे आपको अच्छा खासा विटामिन सी मिल जाएगा। मिर्चा में कैप्सियासिन मिलता है। कैप्सियासिन जो होता है उसकी वजह से ही मिर्चा का जो तीखापन आता है वो कैप्सियासिन की वजह से ही आता है। और कैप्सियासिन अगर आप लेते हैं तो उससे आपका इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद करता है। अगर आपको कहीं पे दर्द वगैरह है तो उसको भी कम करने में मदद करता है। और एक स्टडी में ये देखा गया है कि अगर आप एक टेबलस्पून तकरीबन 10 ग्राम के आसपास अगर आप लाल मिर्च लेते हैं तो उससे आपका फैट बर्निंग में भी मदद करता है। अगला है ग्वावा। ग्वावा जिसको हम अमरूद बोलते हैं, और ग्वावा भी एक अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। तो अगर मैं एक सिंगल ग्वावा की बात करूं तो उसमें आपको तकरीबन 126 मिलीग्राम विटामिन सी मिल जाएगा, जो कि आपका 140% डेली वैल्यू के आसपास है। और इसमें लाइकोपीन पाया जाता है। लाइकोपीन एक एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके बॉडी में जब भी फ्री रेडिकल्स जनरेट होगा तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स इस फ्री रेडिकल्स को कन्वर्ट करके फिर बाहर निकालने में मदद करता है। तो इसलिए दोस्तों, अमरूद जरूर खाइए, अमरूद में बहुत बेनिफिट्स है। किसी और वीडियो में बताऊंगा कि अमरूद का और क्या बेनिफिट होता है। और एक छोटा सा स्टडी में ये देखा गया कि अगर आप अमरूद खाते हैं तो फिर आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को भी घटाने में मदद करता है। तो अमरूद के बहुत फायदे हैं, विटामिन सी तो है ही है, इसके अलावा आपके ब्लड प्रेशर और ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी घटाने में मदद करता है। इसके अलावा अगर आप पीला शिमला मिर्च अगर आप लेते हैं, देखे होंगे मार्केट में हरा, पीला या फिर लाल शिमला मिर्च मिल जाता है, बहुत सारे ऐसे शिमला मिर्च आपको मिलेंगे। तो पीला शिमला मिर्च में भी अच्छा खासा विटामिन सी होता है।
तो अगर मैं 75 ग्राम पीला शिमला मिर्च की बात करूं तो उसमें आपको तकरीबन 135 मिलीग्राम के आसपास विटामिन सी मिल जाएगा, जो कि 150% आपके डेली वैल्यू का हो जाता है। तो पीला शिमला मिर्च में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, और आप कह सकते हैं कि तकरीबन दुगना विटामिन सी होता है अगर मैं इसको कंपेयर करूँ हरा शिमला मिर्च। तो हरा शिमला मिर्च से अच्छा है पीला शिमला मिर्च। तो अगर आप लोग पीला शिमला मिर्च नहीं खाते हैं तो पीला शिमला मिर्च ज़रूर खाइए, उसमें बहुत मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का मैंने आप लोग को बताया था कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। विटामिन सी आपके आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप लोग देखते होंगे कि जब भी आपका उम्र बढ़ता है तो कैटरेक्ट सर्जरी बहुत होती है, कैटरेक्ट होता है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप लोग कैटरेक्ट से बचना चाहते हैं तो विटामिन सी का सेवन ज़रूर करिए, तो फ्यूचर में आपको कैटरेक्ट होने का भी चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अगला है कीवी। कीवी में भी अच्छा खासा विटामिन सी होता है। कीवी एक बहुत ही मीठा फ्रूट है और मैंने कीवी का एक स्मूदी भी बनाया था, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। और कीवी में बहुत अच्छा खासा विटामिन सी होता है, अच्छा खासा एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो आप लोग को कीवी ज़रूर खाना चाहिए। तो एक मीडियम साइज़ कीवी में आपको तकरीबन 70 मिलीग्राम के आसपास विटामिन सी मिल जाएगा, जो कि 80% है डेली वैल्यू का। अगर आप रेगुलर कीवी फ्रूट लेते हैं तो वो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है, आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी काफ़ी हद तक कम करता है। एक स्टडी में ये देखा गया कि अगर आप लगातार कीवी खाते हैं तो उससे आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी काफ़ी कम होता है, आपका ब्लड क्लॉटिंग का जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है, और साथ ही साथ स्ट्रोक का रिस्क जो है वो भी कम हो जाता है। तो कीवी खाने का बहुत फ़ायदा है। अगला है ब्रोकोली। आप देखते होंगे कि मैं बार बार ब्रोकोली बहुत सारे मैंने वीडियोस में कहा है कि ब्रोकोली खाइए, मैं खुद खाता हूँ, बहुत सारे वीडियोस में दिखाया भी है कि मैं ब्रोकोली खाता हूँ। तो ब्रोकोली एक अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, तो अगर आप लोग ब्रोकोली नहीं खाते तो ब्रोकोली ज़रूर खाइए, ब्रोकोली में अच्छा खासा विटामिन सी मिलता है। अगर आप आधा कप ब्रोकोली खाते हैं उसमें आपको तकरीबन 50 मिलीग्राम के आसपास विटामिन सी मिल जाएगा, जो कि अच्छा खासा है। तो अगर आप लोग ब्रोकोली नहीं खाते हैं तो ब्रोकोली को ज़रूर खाइए। तो ब्रोकोली का और भी बहुत सारे फायदा है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, उसमें अच्छा खासा फाइबर मिल जाएगा, कैलोरीज बहुत कम है। तो अगर आप एक वेट लॉस जर्नी में हैं और ब्रोकोली खाते हैं तो आपको कैलोरी इंटेक भी आपका कम हो जाएगा, और इसके साथ ही आपको बहुत अच्छा खासा फाइबर मिलता है, आपको एक फुलनेस क्रिएट होता है, तो जिससे कि आप अपना वेट लॉस जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फल के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, वो है पपीता। शायद आप लोग को मालूम नहीं है लेकिन पपीते में अच्छा खासा विटामिन सी होता है, और अगर मैं 150 ग्राम पपीते की बात करूँ तो उसमें आपको तकरीबन 90 ग्राम के आसपास विटामिन सी मिल जाएगा। यानी कि अगर आप 150 ग्राम पपीता खाते हैं तो एक दिन का जितना रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा, आपको और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लोग पपीता नहीं खाते तो प्लीज़ पपीता ज़रूर खाइए, और ये जितने भी चीज़ मैंने बताया है ये सारे चीज़ डायबिटीज़ के मरीज़ खा सकते हैं और आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ाएगा। तो अगर आप लोग ये सारे चीज़ नहीं खाते हैं तो प्लीज़ ज़रूर खाइए, अगर आपको डायबिटीज़ भी है तो भी आप खा सकते हैं, और अच्छा खासा आपको विटामिन सी मिल जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको अच्छा खासा जानकारी मिला होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि विटामिन सी और भी बहुत सारे खाने के चीज़ में मिल जाते हैं, और भी बहुत सारे फल या फिर सब्जियों में विटामिन सी मिलता है, सिर्फ और सिर्फ साइट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी नहीं मिलता है। तो इसके अलावा भी अगर आप दूसरा चीज़ खाएंगे तो आपको विटामिन सी मिल जाएगा, और विटामिन सी आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों से और परिवारजनों से। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।